और मेरे पास था 500 रुपया तेल डलाया, पीछे बच गए 90 रुपये। इसको मैंने बोला चल कुछ खाने चलते हैं। ये आ गए हम यहाँ पे कोई बड़ा फास्ट फूड, यहाँ पे आगे करा दिया इसने बिल 300 रुपया। अगर बर्तन धोने पड़े बेटा मैं यहाँ से भागते ही मिलूँगा, पीछे तेरे को इधर ही छोड़ के जाऊँगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो हम आ चुके हैं फिर से न्यू ब्लॉग लेके। तो गाइस आज क्या कुछ मैंने दूसरी तरीके डाली, अच्छी तो लग रही है भाई, सुंदर तो लग रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा। तो गाइस पहले हम मिलाएंगे आपको घर वालों से, चलो फिर अंदर मिलाते हैं आपको। गाइस ये मेरी मम्मी की दवाई है, ये मेरी मम्मी है। मम्मी क्या हुआ आपको, दवाई क्यों खाते हो आप इतनी? अब ठीक हो ना? ठीक हो, डांस करना है ना, बेटे की शादी आ रही है आपकी। ओ सॉरी बेटा बोल रहा हूँ, बेटा कहाँ से वो चलो बेटा ही लगा लो, बेटा ही लगा लो शादी, फिर डांस करना उसकी शादी में। लगा लो क्या बेटा ही हो गया बेटा? हाँ। अच्छा तो मैं कौन हूँ बेटा? बेटा हूँ मैं, वो बड़ा बेटा तो छोटा बेटा। अच्छा मुझे लगा मेरे को बांस उठा के लाया हुई। कहाँ से भाभी? ओ गाइस भाभी बोल रहे हैं कि उनको नाली से उठा के लाया था उनके पापा ने। अच्छा मम्मी बेइज्जती कर रहे हैं यार, समझाओ उनको। गाइस सुना आपने कुछ? नहीं सुना मुझे लगता है, नहीं सुना होगा। तो मैं डांस करूँ शादी में? क्यों करना है? मैंने जाने देना आपको, तो जब तो आप ठीक नहीं हुए। ठीक है तो गाइस चलो। तो गाइस ये देखो आज सुंदर सुंदर हो चुका है। तू कहाँ जा रहा है यार, रुके पापा की शादी में जा रहा है? वो चाचू तेरे तो थोड़ा गंदा हो, अभी तक नहाया भी नहीं। आज देखना आज कैसे तैयारी है, वो ज़्यादा कहाँ पर तैयार हो गए। और ये देखना बाबी ने क्या किया हुआ है, अभी नहीं शर्म क्यों आ रहा है? गाइस जो आप ब्लॉग देखते हो आप समझ ही होंगे कि इन्होंने झुंड क्यों निकाला हुआ है। झुंड बोलते हैं मैंने क्या बोलते हैं इसको, समझ गए हो ना? आज भी इन्होंने मेकअप नहीं किया, सही पकड़े हैं, नहाई भी नहीं आज तभी। 5 बजे उठ के नहाई हूँ, तेरा अभी तक नहाया नहीं। 10 5 बजे 5 बजे आपकी जूहे भी सोई थी, तो 5 बजे उठी थी तेरी सोई भी नहीं। गाइस झूठ बोलते हैं, 9 बजे उठी थी मैं, 4 बजे उठा था सुबह। तो चलो गाइस देखते हैं आगे का प्रोग्राम कैसा रहता है हमारा। सो गाइस तो अभी मैं आया हूँ अमन के साथ, काफ़ी बड़ी हो गई तो मैं सोच रहा हूँ आज कटाई दूँ। अमन भाई मुझे बता, 1 नंबर बनानी चाहिए या 2 नंबर बनाऊँ? मेरे को मैंने छोटी करवानी है। पता नहीं जो काटेगा उसको पूछते हैं। ये बता ना कैसी लगेगी, 1 नंबर या 2 नंबर? 1 नंबर ठीक लगेगी। 1 नंबर? हाँ गाइस चलो आज मैं 1 नंबर बनाऊँगा, 1 नंबर मतलब बिल्कुल छोटी हो जाएगी, तो आज तरह सही लगेगी। तो आज चेक करते हैं भाई कैसी लगती है कैसे नहीं। आज सुंदर सुंदर बनना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि आज मैं इसकी बंदी से मिलने जा रहा हूँ। तो चलो गाइस कराता हूँ फिर बताता हूँ आपको। तो गाइस करवा दिया, कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ थोड़ा सुंदर। ओ तमीज से बात कर, देखो गाइस को तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। तो तमीज कब सीखेगा? आपने सीखी थी? मैं सीखता हूँ, देख भैया कैसे हो। एक मिनट यार कॉल आ रही है मेरे को किस अमन पांडे की। ओ सुनते लग रहा ना, बता ना लग रहा है। तू ये क्या जानी वाले ड्रामे देख रहा है यार? दर्द भी जानी वाले ड्रामे क्या देख रहा है, टीवी मोबाइल में देखना है ना? ना सुनते लग रहा ना मैं, फिल्म दिखा यार, नहीं सुनते लग रहा आज मैं लगा जो ठुकराई उसी को। तू बता यार तेरे से पूछन, तेरे को कुछ हो रहा बता दे। वो नहीं करो ए, बता भी जल्दी मां से नहीं करे। 1 hour later तो गाइस मैं पापा के साथ काम आया हूँ, फिर काम मतलब यहाँ पे कोई पता नहीं क्या बोलते हैं इसको यार, इधर गाड़ियाँ लगी हुई खाली टूटी फूटी है, देखो पीछे टूटी फूटी गाड़ियाँ लगी हैं। गाड़ी का ना इतना सा पार्ट भी नहीं मिलता हुई, और नीचे देख लो वो लकड़ियाँ पड़ी है कोई जलाने के लिए, पता नहीं किस काम के लिए है। वैसे आज मैं सुंदर तो लग रहा हूँ यार थोड़ा, दाढ़ी छड़ी कटवा के, बट बाल नहीं कटवाऊँगा अभी। देखो गाड़ियों को क्या क्या बनाया हुआ है, बाद में ऐसी गाड़ियाँ आती है कबाड़। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो गाइस अब मैं तरगो ट्यूशन लेने जा रहा था,
और मेरे पास था 500 रुपया, तेल डलाया पीछे बच गए 90 रुपये। चल कुछ खाने चलते यार, ये आ गए हम यहाँ पे कोई बड़ा फास्ट फूड, यहाँ पे आके करा दिया इसने बिल 300 रुपया। हाँ भाई पैसे हैं तेरे पास? खज्जल नहीं कराएगा बस तू ब्लेटर रहेगा, मैं कहूँगा भाई 90 रुपये लेके आया हूँ मैं, उसे 300 रुपया खर्चा करा दिया, अब बनता बना नहीं किया है। चलो कि बर्तन मांगने पड़े ना, मुझे सोच ना फिर मैं क्या करूँगा, बस बर्तन ही धोने पड़े। अगर बर्तन धोने पड़े बेटा मैं यहाँ से भागते हुए मिलूंगा, पीछे तेरे को इधर ही छोड़ के जाऊँगा, स्कूटी की चाबी भी छोड़ दे, मैंने लगा तो बैठने उनका भैया जिसने ऑर्डर दिया उसको पकड़ो। चलो अगर खज्जल हो गए ना यहाँ पे, पहले मुझे पैसे शो करा तू, पहले है भी है नहीं, शो करा यार जल्दी कर, नहीं है तो मैं लगाऊँ भागने, अभी सोच ले मैं भैया को बोलूँगा भैया मैं 2 मिनट तू बैठ रहा यहीं पे। चलो भाई कितना टाइम लग जाएगा, क्या बोल रहे हैं गाइस ने बिठा तो दिया पर मुझे डर लग रहा है, वो इधर है ना, उधर कहाँ भाग रहा है, बाहर भागने की मत सोच, पहले बता रहा हूँ मैं गाइस भाग रहा है मेरे को अकेले भी छोड़ के, ओ चाबी, ओ चाबी तरह बैग चला इधर, ये कहाँ भागेगा, पड़ेगा कैसे तेरे पापा को सुनाऊंगा मैं, ठहर जा तो देखना, ओ तोड़ना मत गाइस, भाग गया मुझे अकेले भी छोड़ के, बोल रहा है मैं चला दूँ पांडे मांझ। ओह क्या एंट्री है तरह तेरी, तरह भाई क्या एंट्री की यार, पूरा शाहरुख खान की तरह लग रहा है आज। ओ तेरी कुर्सी अंदर टोर तो ना, मानता हूँ तू थोड़ा पैसों वाला है, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या तू कुर्सियाँ धो रहे हो यहाँ पे, फिर आज बर्तन धोने लगाया ना तो तू सोच ले, वैसे दुकान तो अच्छी है यार, ओह वो दुकान जल परी राइस तरू की, जल परी तरू फैन हो गया जल परी का, सबसे पहले नज़र मेरी नज़र तो बड़ी दूर तक जाती है भाई, तुझे क्या बता अभी। तो गाइस मोमोस आ चुके हैं, क्या बोल रहा है बोल भैया, वो फोन मेरे को पहले करना चाहिए था, उसने फोन नहीं उठाया क्यों, यो तरु वहां से तुम क्या ड्रामे कर रहा है, ड्रामे लग गया करने भैया, तूने खज्जल करवाया ना तो तू नहीं लेगा, तर तुमने अगर खज्जल करवाया ना मैं बता रहा हूँ जवाली भाई सब पता नहीं क्या बोलता है, ये डरा रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा, चलो फिर खा के मिलता हूँ मैं, सर सोच ले पहले तरू मैं लगा खाने तू देखता रहा। ब्लैक कोबरा आ चुका है, अरे चीरस नहीं कर जल्दी खा यार, लेट हुआ मैं, मेरे को ड्यूटी जाना है, ड्यूटी जाना भाई तू जल्दी खा। तो गाइस चलो ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, इसी के साथ लाइक कमेंट शेयर कर दो और फैला दो, ऐसे करके शेयर करो, ऐसे करके हवा में उड़ते हुए व्यूज आने चाहिए।